चाची प्लीज साक्षी को आने दो ना मेरे घर, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे जाना क्यों है, क्या जरूरत है? जरूरी है अम्मा, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, साथ पढ़ेंगे तो आसान होगा। हाँ। अम्मा प्लीज जाने दो ना अम्मा, अम्मा प्लीज 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 प्लीज। अरे तुमको पता है ना शाम के बाद वो जगह कितना सुनसान हो जाता है, अकेली कैसे आएगी? अरे चाची अंधेरा होने से पहले ना मैं इसे खुद छोड़ जाऊंगी, ठीक है? बाय बाय अम्मा। अरे अरे सुनो तो, कामा आ गई। साक्षी, साक्षी बेटा। अरे अम्मा अभी तक नहीं आई। आई नहीं मतलब? अरे हमको तो बोली थी कि आ जाएगी, काहे नहीं आई हो अभी तक? अरे हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जब देखो तब फोन में लगे रहते हो। अरे अम्मा इतना हल्ला काहे कर रही हो तुम, रश्मि के वहां गई है ना, आ जाएगी, अब फोन दो हमारा। जब देखो तब राई का पहाड़ बना देती हो, पता नहीं क्यों बाहर गई, आ जाएगी, बोला ना एक बार। अरे रैली की सफलता का श्रेय आप सभी कार्यकर्ताओं को जाता है, सिर्फ आप लोगों की वजह से ही रैली सफल हो पाई है। आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, धन्यवाद। विनीता ठाकुर, विनीता ठाकुर, विनीता ठाकुर। आशा अच्छा हुआ तुम्हारा फोन आया, हम तुम्हें ही फोन कर रहे थे। अच्छा रश्मि आई है क्या वहां पर? हाँ अरे ये पूछेंगे तो हम तुमको फोन किए कि साक्षी तुम्हारे घर से निकली है का? नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। किसी भी इंसान को किसी की भी जान लेने का अधिकार नहीं है, यह अपराध है और मरने वाला चाहे किसी भी देश धर्म या जाति का हो, एक आदरपूर्ण अंतिम संस्कार सबका हक है। पर शायद ऐसा लगता है कि लोगों ने अपने विवेक, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना बंद कर दिया है और शायद इसीलिए ऐसे केसेस देखकर यह लगता है कि अब इंसान के ईमान और उसकी जान की कीमत कुछ भी नहीं रही। इस कत्ल का मकसद क्या है? बदला, ऑनर किलिंग, प्यार में नाकामी या फिर कोई कुंठित वासना? आप दोनों की बेटी साक्षी और रश्मि बेस्ट फ्रेंड हैं और दोनों का है जी। आप लोगों ने आखिरी बार उन्हें कब देखा था? साहब सुबह 9:30 बजे जब हम डिस्पेंसरी जा रहे थे ना, तब इनकी लड़की रश्मि हमारे घर आई थी। चाची प्लीज साक्षी को आने दो ना मेरे घर, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे जाना क्यों है, क्या जरूरत है? जरूरी है अम्मा, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, साथ पढ़ेंगे तो आसान होगा। हाँ। अम्मा प्लीज जाने दो ना अम्मा, अंधेरा होने से पहले ना मैं इसे खुद छोड़ जाऊंगी, ठीक है? बाय बाय अम्मा। अरे अरे सुनो तो, रश्मि और साक्षी आपके घर कितने बजे पहुंची थी? वो तो पता नहीं, हम हमारी पार्टी की अध्यक्ष है और आज पार्टी की रैली थी, हम पूरा दिन उसी में बिजी थे। शाम को जब 6:30 बजे घर आए तो पता चला दोनों में से कोई भी लड़की नहीं थी। आशा से जब फोन पर बात हुई तो पता चला कि दोनों लड़कियां गायब हैं। हमने उनका फोन भी ट्राई किया पर उनका फोन बंद आ रहा है। हमने बहुत जगह ढूंढा उन दोनों को पर हमको कहीं नहीं मिली, पता नहीं कहाँ हो गए दोनों बच्चियाँ। देखिए अगर आप दोनों को बुरा ना लगे तो हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इनके पीछे कोई बॉयफ्रेंड का एंगल हो या? नहीं नहीं साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? साक्षी और रश्मि तो उस तरह की लड़की है ही नहीं जैसा कि आप सोच रहे। साहब दोनों बच्चियाँ हैं, सिर्फ 18 साल की है और पढ़ने लिखने वाली उम्र है उनकी, अपने एग्जाम की तैयारी कर रही, उनका पूरा ध्यान जो है वो पढ़ाई लिखाई में था, ना कि इन सब फालतू बातों। ठीक है आप अपनी बच्चियों की डिटेल, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ्स इन्हें दे दीजिए, हम जल्दी से छानबीन शुरू करते हैं। मिश्रा एक काम करो, दोनों लड़कियों का बैकग्राउंड चेक करो, दोनों के मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो। सर
अनूप चाचा मेरी ना शादी है, आप भी आना। मैं ना तुम दोनों के पास ही आने वाला था, मैं ये टॉफी देना थी तुमको, ये लो मेरी ना शादी है, आना। अबे ऐसी कौन सी लड़की है रे जो तेरे जैसे भोंदू से शादी करेगी यार? भोंदू मत बोलो, हाँ दो वापस टॉफी, तुम भी दो, मत आना शादी में, मैं नहीं बुलाऊंगा तुमको। नीरज क्या हुआ, बारिश में क्यों खड़ा है? ये दोनों मुझे भोंदू बोल रहे थे। मेरी ना शादी होने वाली है आज परी से। अरे वाह, सच्ची में तेरी शादी है? एक बहुत सुंदर परी है और अम्मा तो उस परी को शादी के लिए तैयार भी कर रही है। आप आना, हम अम्मा से बोल के आपके लिए साड़ी लेंगे। हाँ चल अभी घर चल, बारिश बढ़ जाएगी। ये पी लो, अच्छा लगेगा। नेताइन की बेटी रश्मि और वो डिस्पेंसरी वाली आशा का बेटा सचिन, दोनों का चक्कर चल रहा है और ये बात मैं क्या, पूरा मोहल्ला जानता है। और उन दोनों ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है और सड़क पर एक दूसरे के साथ छेड़ाछाड़ी करते फिरते। साक्षी के साथ किसका चक्कर है वो तो नहीं मालूम, पर घंटों किसी के साथ फोन में बातें करती रहती सर। अब उस दिन तो आइसक्रीम भी खा रही थी किसी के साथ और एक दिन शर्मा के लाल गुलाब लेके आ गई। अब बताइए इसका क्या मतलब हुआ? हमने पहना दी, अभी तुम पहनाओ। हाँ चलो पहनाओ ना, पहनाओ नहीं तो हमारी माला ले लेंगे। हाँ गुस्सा काहे हो रहे हो, पहनाएगी, शर्मा रही है वो बहू। चल तू भी माला पहना ले। पहनाएगी पहनाएगी। शादी हो गई, हमारी शादी हो गई, हम दूल्हा बन गए, हम दूल्हा बन गए। अम्मा वो सुहागरात भी अभी। अरे बेटा सुहागरात रात को होगी। रात नहीं, रात को नहीं होगी, सुहागरात अभी हो गया, अभी होगी सुहागरात। अरे बेटा गुस्सा काहे हो रहे, सुहागरात होगी पर रात को। अभी हो गया, हम तो अभी करना है। सर पूछताछ में पता चला कि साक्षी वर्मा के भाई सचिन के साथ रश्मि का अफेयर चल रहा था। और साक्षी? तो साक्षी का किसी के साथ अफेयर चल तो रहा था, मगर वो कौन है ये नहीं पता। एक काम करो, पता करो इस बारे में और ये सचिन वर्मा को भी थाने बुलाओ पूछताछ के लिए। सर तुमको पता है सुहागरात में क्या होता है? मुझको पता है। हाँ मैं बताऊँ, पहले ना मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा। कितनी सुंदर है तुम परी। अब ना अब मैं अपने कपड़े उतारूंगा, अब चलो तुम तुम्हारे कपड़े उतारो। हाँ तुम्हारे निकालो ना, शर्म आ रही ना तुमको? कोई बात नहीं, मैं उतार दूंगा तुम्हारे कपड़े। हाँ अब मिश्रा, वो विनीता और आशा को रैंसम के लिए कॉल आया क्या? सर अब तक तो नहीं। सर एक्सक्यूज मी, हेलो कहाँ पर? ठीक है हम बात करें। सर जंगल के पास एक जली हुई बॉडी मिली। पीछे हो जाओ। सिंह
आसपास चेक करो। सर बॉडी जितनी जली हुई है पहचान पाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ पैरों का एक छोटा सा हिस्सा बचा है, वो भी शायद इसलिए क्योंकि पैरों तक पहुंचने से पहले आग बुझ गई होगी। जाहिर सी बात है कि कातिल नहीं चाहता था कि लाश को कोई पहचाने। आसपास ना कोई आई कार्ड, फोन या पर्स मिला है, और सर कोई मर्डर वेपन भी नहीं मिला। पैरों को देखकर लग रहा है कि लड़की की उम्र को ज्यादा नहीं रही होगी। मुझे डाउट है कि कहीं ये लाश रश्मि या साक्षी में से किसी की ना हो। एक काम करो, दोनों माओं को बुलाओ लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए। सर देखिए बॉडी बुरी तरह जल चुकी है, पहचान बना मुश्किल, सिर्फ पैर बचे। अगर आप लोग देख के पहचान सकते हैं तो ठीक है, पर ना डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये हमारी साक्षी नहीं हो सकती। नहीं मिश्रा, मुझे नहीं लगता ये लोग ऐसे पहचान पाएंगे। इन दोनों का डीएनए टेस्ट लेना होगा। अब सर हमारा अब रश्मिका सर सर हमारा अफेयर चल रहा था। ये बात हमें पता है, आगे बोल। रश्मि को आखिरी बार कब देखा? जिस दिन दोनों गायब हुई उसी दिन सर। सर सुबह 10 बजे साक्षी और रश्मि दोनों रश्मि के घर के लिए सर निकले थे। वो कहा है कि साक्षी और जो है रश्मि दोनों को ना सर पढ़ाई करनी थी। ठीक है, अभी तुम बाहर बैठो। मिश्रा अर्जुन को बुलाओ। जब हम घर आए साक्षी अकेली पढ़ाई कर रही थी और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सर हमने उसी टाइम सचिन को फोन किया, लेकिन उस टाइम फोन नॉट रीचेबल दिखा रहा था। फिर हमें प्रकाश याद आया तो हमने साक्षी का फोन लिया और उसके फोन से उसके बॉयफ्रेंड प्रकाश को कॉल किया। उसके बाद हमने और प्रकाश ने जैसे तैसे करके साक्षी को ऑटो में बिठाया और वो वहाँ से ले चला गया। फिर उसके बाद मैंने कभी साक्षी को देखा ही नहीं। सर हमें उस दिन अर्जुन का फोन क्यों नहीं लगा ये तो हम नहीं जानते हैं। प्रकाश का तुम पहले से जानते थे? नहीं सर। ठीक है तुम जा सकते हो। मिश्रा और साक्षी प्रकाश के साथ गई थी, इस प्रकाश को बुलाओ। सर अम्मा दो आग्रह करने दो ना, अम्मा करने दो ना दो आग्रह, अम्मा दो आग्रह करना। चुप कर, दो दिन से वही करे जा रहा है, चल जाकर भर के चल। कट्टी अम्मा वो क्या कर रहा था दो आग्रह। हमको सुहागरात करना ही अम्मा। ए उठना, चल चल हम सुहागरात करते हैं, चल चल। अरे उठ उठ उठ। अरे नहीं शोर मत, शोर मत मचाओ। अम्मा को पता नहीं हम सुहागरात कर रहे हैं। धीरे धीरे चल। तूने रश्मि के घर से साक्षी को अपने ऑटो में बैठाया उसे उसके घर छोड़ने के लिए, लेकिन साक्षी अपने घर नहीं पहुंची, क्यों? सर हो सकता है वो जो हादसा हुआ है उसके कारण। कौन सा हादसा? सर रश्मि के घर से हम 5 किलोमीटर निकले ही थे कि। कहां घुसे जा रहे हो भैया? अरे माले। सर फिर जब हमको होश आया हम देखे सर वो तीनों लोग जा चुके थे और हमारा पर्स मोबाइल पैसा सब एकदम सही सलामत था, ऑटो भी सही सलामत था सर। फिर हम देखे साक्षी तो साक्षी भी नहीं थी, वो भी जा चुकी थी, तो हमको लगा कि साक्षी को होश आ गया होगा और वो अपने घर चली गई होगी। सर फिर हम भी घर चले गए सर। साक्षी घर पहुंची नहीं पहुंची? तूने उसकी सूद लेने की कोशिश नहीं की? नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है कि हमने कुछ कोशिश नहीं किया। हमने फोन किया साक्षी को पर उसका फोन ऑफ था और हम उसके घर के आसपास नहीं जा सकते थे ना सर। अगर साक्षी की अम्मा को पता चल जाता तो और बड़ा बवाल हो जाता। तो सर हम ऑटो चलाते हैं इसलिए सर, पर ऐसा नहीं है कि हम कुछ किए नहीं।
हम उसको SMS किए पर कोई वहां से जवाब नहीं आया। साक्षी फोन नहीं की। तूने बताया कि उन्होंने तेरे ऊपर रॉड से हमला किया, लेकिन मुझे तो कहीं चोट के निशान नजर नहीं आ रहा। सर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा घाव हुआ था, थोड़ा सूजन आया था, पर अभी ठीक है सर, थोड़ा हल्का दर्द होता है बस। चल तेरी बात पर अगर मैं भरोसा कर भी लूं तो कुछ तो तूने नोटिस किया होगा। वो कैसे लोग थे, किस तरह के कपड़े पहने थे, बाइक का कलर क्या था, नंबर प्लेट, कुछ तो नोटिस किया होगा, या तेरी ये याददाश्त भी चली गई उसके साथ? सर कुछ याद नहीं आ रहा है सर। याद दिलाऊं? सर थोड़ा याद है सर। दो मोटरसाइकिल में थे, एक मोटरसाइकिल में सर दो लोग बैठे हुए थे, जिसमें दो लोग थे ना उसके पीछे नंबर प्लेट पे 5 आखिरी वाला अक्षर 5 था, वो बड़े में लिखा हुआ था सर। और एक मोटरसाइकिल में एक आदमी बैठा हुआ था, उसका कलर वो सिल्वर हाँ, सिल्वर ग्रे हाँ, जो भी है सर। और वो बड़ी भारी सी गाड़ी थी सर, वैसे वो करूज थी सर, वो करूज थी, वो अभी नई आई है क्रूज बाइक। बस सर हमको इतना ही याद है। तूने साक्षी को मार डाला, जला डाला, और हमारे पास ये चोट लेकर आ गया ताकि हम तेरी बात पर भरोसा कर लें। सर हम साक्षी से प्यार करते हैं सर। झूठ बोल रहा है। साक्षी आखिरी बार तेरे से मिली थी, उसके बाद से साक्षी गायब है। उसकी सुध लेने के बजाय तू अपने घर चला गया और घर जाकर मैसेजिंग कर रहा है। सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। ठीक, लेके जाओ उसे अंदर। सर हम साक्षी से बहुत प्यार करते हैं सर, हम सच बोल रहे हैं सर, हम कुछ नहीं किया सर। मिश्रा वो तीनों नकाब पोश, सिल्वर ग्रे कलर की बाइक, और वो नंबर प्लेट जिसका आखिरी अक्षर 5 है, ब्रॉड लिखा हुआ है, तीनों के बारे में पता करो, और इसके कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड सब निकलवाओ। अम्मा पानी का प्याज लगा है, अम्मा गाओ अम्मा। अरे हम छत पे कपड़े सुखा रहे हैं, मटका सामने रखा है, रसोई से ग्लास लेके खुद ले ले। ए उठना, हमको पानी पीना, जाओ पानी ला के दो। ए उठ, नहीं उठेगी, रुक हम बताते हैं तुझको। सर जिस लड़की की बॉडी हमें मिली थी उसका DNA विनीता ठाकुर से मैच करता है, वो बॉडी रश्मि ठाकुर की। What? रश्मि ठाकुर? मिश्रा ये केस तो और उलझता जा रहा है। हाँ हम समझ रहे थे कि प्रकाश ने साक्षी को मारकर जला दिया, लेकिन वो तो रश्मि ठाकुर निकली, यानी कि साक्षी जिंदा है। हमें जल्द से जल्द साक्षी तक पहुंचना होगा इससे पहले कि उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए। और हाँ रश्मि ठाकुर की माँ विनीता ठाकुर को इन्फॉर्म कर दो। जी सर। और सर रश्मि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है कि उसकी मौत सर पे घाव लगने की वजह से हुई थी, और सर ये भी पता चला है कि वो सेक्सुअली एक्टिव थी, इनफैक्ट मरने से पहले उसने किसी के साथ सेक्स किया था। ए उठना, दबाना पैर, नहीं दबाएगी तू हाँ? पैर दबा जैसे हमारी अम्मा हमारे बाबा के पैर दबाती थी। दबा नहीं तो मारेंगे तुम कहाँ, जैसे हमारे पापा हमारी अम्मा को मारते थे। नहीं दबाएगी। संदीप बहुत जल्दी अब्बा क्या हुआ? आपको काट रहा अब्बा। दुख रहा है अब्बा। बड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं है, देख कितने जोर से काटा है। हम ना उसे अपने घर नहीं रहने देंगे, कहीं भगा देंगे। वो परी कहीं नहीं जाएगी, अगर परी कहीं चली गई तो हम सुहागरात किसके साथ करेंगे? नहीं परी नहीं जाएगी। नहीं बेटा ऐसा जिद नहीं करते बेटा, देख कितने जोर से काटा है तुझे, अगर उसने फिर से काटा तो तू क्या करेगा? फिर से रोएगा तू? हाँ बोल ना, फिर से रोएगा? हाँ ना हाँ, अम्मा उसको टॉफी ला के देंगे हाँ, और फिर टॉफी खाएगी तो वो नहीं काटेगी हमको, है ना अम्मा? हमको पैसे दो, हमको पैसे दो। नहीं बेटा
पैसा दो आप, पैसा दो। हम भरी के लिए टॉपी लाएंगे, फिर वो नहीं काटेगी आपको, देखना। इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। अब सीधी तरह से बता कि तूने रश्मि को क्यों मारा? क्योंकि रश्मि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कि मौत से पहले उसके साथ सेक्स हुआ था, बलात्कार किया था उसका, रेप किया था उसका। सर हम दोनों का अफेयर चल रहा था, ठीक है? तो सर हमारे बीच में सेक्स होता था सर, हम कसम खा के बोल रहे हैं सर, हमने उसे कभी फोर्स नहीं किया सर, कभी जबरदस्ती नहीं की सर। कुछ दिन भी सर हम लोग घर ही में सेक्स किए थे और फिर मैं वहां से निकल गया था सर। कहां के लिए निकला? वहां से सर याद आया, मेघा, मेघा से मिलने गए थे सर। कौन मेघा? सर पासी के गांव में रहती है हमारी एक और गर्लफ्रेंड है हमारी। तो मुद्दा ये है क्योंकि रश्मि को जब मेघा के बारे में पता चला, लड़ाई झगड़ा हुआ, उस लड़ाई झगड़े में तूने रश्मि को मार डाला, लाश को ठिकाने लगा दिया। तेरे मोबाइल के लोकेशन रिकॉर्ड के मुताबिक तू उसी एरिया में एक्टिव था जहां से हमें रश्मि की लाश मिली। मेघा के घर का रास्ता भी वहीं से गुजरता है जहां पे आपको रश्मि की लाश मिली थी सर। सही, डालो चलो कप में। देखिए सर, क्या रश्मि की हत्या और साक्षी की गुमशुदगी किसी झूठ का नतीजा थी? यहां कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था ये पुलिस अब तक नहीं समझ पाई थी। लेकिन साक्षी के साथ क्या हुआ था, वो थी कहां? प्रकाश जिसने साक्षी को आखिरी बार जिंदा देखा था उसकी कहानी भी वैसे विश्वास करने लायक नहीं थी। क्या वाकई प्रकाश पर उन तीन बाइक सवारों ने हमला किया था? और अगर हाँ तो फिर साक्षी कहाँ थी और वो उस दिमागी तौर पर कमजोर लड़के के पास कैसे पहुंच गई? इस सच को जानने के लिए पुलिस ने प्रकाश के बयान के हिसाब से उन बाइक वाले हमलावरों को खोजना शुरू किया। मैं परी को टॉफी दूंगा ना तब वो मुझे सुहागरात बनाने के लिए मना नहीं करेगी। अरे चल साले, कुछ भी बकवास कर रहा है, परी सुहागरात, परी तुझे ही मिलेगी क्या? कसम से परी है वो मेरी, हम रोज सुहागरात मनाते हैं। वो भी पूरे कपड़े। धीरज, ये क्या बकवास किया जा रहा है हा? और मिलिन तू या खड़ा रहकर चुपचाप सुन रहा है? बताओ तेरी माँ को। काकी मैंने उसे कुछ पूछा ही नहीं, वो अपने आप ही बक रहा है कुछ भी। धीरज ऐसी गंदी बातें नहीं करते और ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। पत्नी है मेरी, मैं रोज सुहागरात मनाता हूँ उसके साथ। ये देखो उसने मुझे काटा, हमने जब अम्मा को कहा ना उसने काटा तो अम्मा बोली वो गंदी है उसको भगा देंगे। मैं उसको टॉफी दूंगा देखना, पर वो ना नहीं कहेगी। पूरा घर अच्छी तरह से सर्च करो। क्या करें आप? साहब क्या हुआ? मिश्रा, साक्षी, साक्षी तुम ठीक तो हो? स्मिता जी फौरन हॉस्पिटल भिजवाओ। अम्मा हमारी परी को रोको ना, इनको अम्मा बोलो ना, ये हमारी परी है, परी हमारी परी हो। सर घर के पीछे कपड़े मिले। मिश्रा कपड़े फौरन फॉरेंसिक के लिए भेजो और इन माँ बेटों को थाने लेके चलो। साहब, साहब ये क्या कर रहे हैं? साहब हमारी बात का विश्वास करो, वो लड़की खुद हमारे घर पे भूखी प्यासी आई थी, हमने उसे रहने के लिए घर दिया, खाना दिया, लेकिन उसकी नजर ना हमरे धीरज पर थी, हम उसे घर से बाहर निकालने ही वाले थे। क्या बोल रही हूँ अम्मा, कुछ भी झूठ बोल रही हूँ। अम्मा झूठ बोल रही है, जो भूल गई है हमको ना, हमारी परी जो है वो रास्ते पर मिली थी। अम्मा तो चुप कर, चुप, आवाज नहीं। अरे तुम क्यों डर गए धीरज? अम्मा को डांटा, तुम्हें थोड़ी डांटा है। बात सुनो धीरज, बहुत अच्छा बच्चा है। कहाँ मिली थी बेटा परी तुम्हें? परी से मिलना है ना? हाँ
परी ना हमको वहाँ रास्ते पर मिली थी जहाँ हम खेलने जाते हैं ना वहाँ पर। चल मेरी घड़ी टिक टिक टिक, चल मेरी घड़ी, एक मिनट घोड़ी तुम इधर रुको। हाँ लगा ये तुम तो बिल्कुल मेरे सपनों की परी जैसी हो। मुझे पता है तुम मेरे लिए आई हो, हम मैं तुमसे शादी करूंगा, चलो ना। अम्मा हम परी को लेकर आ रहे हैं। माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब। हमारा बेटा बहुत भोला है, जिद पकड़ कर बैठा था कि उसी के साथ शादी करेगा, तो फिर उसे उठा कर लाया तो हमने छोटी मोटी इसकी शादी करवा दी। वैसे भी इसे कहां कुछ पता चलता है। फिर एक दिन ये खुद उससे परेशान हो जाएगा तो कहीं छोड़ देंगे उसे। खिलौना नहीं है, बेटे की चिंता है। उस मासूम लड़की के बारे में कुछ नहीं सोचा, कुछ तरस नहीं आया उसके ऊपर। सारी जिंदगी अंदर सड़ोगी, केस लगेगा तुम्हारे ऊपर, लड़की के बलात्कार का, किडनैपिंग का, झूठी शादी में कानून तोड़ने का आरोप लगेगा तुम्हारे पर। नहीं साहब। सविता जी लेके जाओ इसे। नहीं साहब, नहीं साहब, ये सब मैंने अपने बेटे के लिए किया, मेरे बेटे ने मुझसे किया कुछ नहीं। अम्मा अम्मा को कहाँ लेके जा रहे हैं साहब? अम्मा अम्मा कहाँ गए? एक बात बताओ, तुम्हें परी से मिलना है ना? परी बहुत सुंदर है वो, आपको पता है कहाँ है वो? हाँ कहाँ कहाँ है? जहाँ से तुम उसे लेके आए थे ना, वो वहाँ चली गई। हमको पता था ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन तुम्हें पता है ना तुम कहाँ से लाए थे उसे? वहाँ से लाए। हाँ पता है ना, वो परी वहाँ पे रास्ते में हम खेलने जाते हैं ना खेत के उधर, वहाँ पर। अच्छा हमें उस जगह पे लेके चलोगे? हाँ हम परी को मना लेंगे तुम्हारे पास वापस आने के लिए। सच में? हाँ चलो चलो चलो, गाड़ी में। हाँ गाड़ी में लेके चलेंगे। मेरे डॉक्टर से बात हुई, उसने बताया कि साक्षी की बॉडी में भारी मात्रा में अफीम मिली जो उसे रोज थोड़ी थोड़ी करके दी गई थी ताकि वो उनके चंगुल से भाग ना सके। सर लगता तो ऐसा ही, और डॉक्टर ने ये भी बताया कि साक्षी के सर पर रॉड जैसी किसी चीज़ से वार किया गया और पिछले कुछ दिनों से उसके साथ कई बार रेप हुआ था, जबरदस्ती की गई थी। उसका रेपिस्ट कोई और नहीं, वो बेवकूफ धीरज ही है। बेटा अंदर अंदर अंदर, बस ये इधर इधर इधर। वो मुझे कहाँ मिली थी बेटा? वो मुझे ना वहाँ वहाँ ये इधर 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 नहीं इधर नहीं, वहाँ पर वहाँ मिली थी परी मुझे। इधर परी, ये तो खून के डब्बे हैं मिश्रा, आसपास का एरिया अच्छी तरह से चेक कर। सर सिंह परी, परी मिली मेरी परी, मिल जाएगी बेटा मिल जाएगी। सर ये रॉड मिला, देखिए खून के डब्बे भी हैं। यानी कि इसी रॉड से साक्षी पर वार किया गया। रॉड को फॉरेंसिक के लिए भेजो, इसमें मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स धीरज और प्रकाश के फिंगरप्रिंट से मैच करा के देखो, हो सकता है इन दोनों में से ही किसी एक का काम हो। और साथ ही ये भी पता करना होगा कि उस दिन रश्मि के घर में क्या हुआ था, या फिर उस दिन ऑटो में क्या हुआ था जो अभी तक हमें नहीं पता। हम है तुम्हारे साथ।
में दर्द हो रहा है, हमारे साथ ज्यादा दर्द किया। तुमको बहुत तकलीफ हो रही है ना, हम है ना तुम्हारे साथ, तुमको कुछ नहीं होने देंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। साक्षी तुम्हें कुछ याद है तुम्हारे साथ ये सब किसने किया था, कौन था वो? याद करने की कोशिश करो, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया था, कौन थे वो दरिंदे? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। सर आप इन पर प्लीज प्रेशर मत डालिए, वरना इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। मिश्रा, साक्षी के कपड़ों और मेटल रॉड से जरूर हमारे हाथ कुछ ना कुछ लगेगा। फॉरेंसिक वालों से कहो जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजें। और हाँ, पता करो वो दो बाइक्स किसकी हैं। सर। हाँ तो अक्षय, ये बताओ तुम्हारी सिल्वर ग्रे कलर क्रूज बाइक क्राइम सीन पे देखी गई है, कैसे? सर उस दिन हम पूरा दिन विनीता मैडम से रैली में ही थे और फिर शाम में हम उनके साथ घर आए थे। एक बात बता, तेरी बाइक खुद ब खुद चलती है क्या? नहीं नहीं साहब, वो मेरी बाइक तो सर्विस के लिए गई हुई थी ना, उसी दिन सुबह सर्विस सेंटर से आई थी, तो हम उसको चला के देखे तो कुछ खराबी कर रही थी वो बाइक, तो हम दोबारा उसको सर्विस सेंटर देने लगे, तभी रैली में जाने का टाइम हो गया था, तो हम बाइक फिर मैडम के घर पे लगा दिए। बस साहब उसमें पूरा दिन चला गया और साहब फिर पता चला कि रश्मि जी गायब हो गए, बाद में उनका डेड बॉडी मिला, बस उसी में ये सब अफरा तफरी में बाइक का तो हम भूल ही गए, हम तो अभी तक उसको छुआ भी नहीं है, बाइक अभी मैडम के घर में ही लगा हुआ है। मिश्रा इसकी बाइक सीज करो और इस सर्विस सेंटर वाली कहानी में कितनी सच्चाई है पता करो। सर अक्षय की सर्विस सेंटर वाली कहानी सच तो है, लेकिन इस कहानी में गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? सर सर्विस सेंटर से विनीता जी का घर 2 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन सर्विस सेंटर में जो बाइक के किलोमीटर्स नोट किए गए थे और विनीता जी के घर पे बाइक के किलोमीटर्स जो हमने नोट किए, उससे पता चला कि इस बीच बाइक 17 किलोमीटर चली, यानी कि 15 किलोमीटर की गड़बड़ है। प्रकाश जो बोल रहा है अगर हम उसको एक पल के लिए सच माने तो विनीता जी के घर से वो जगह जहां प्रकाश पे हमला हुआ था 5 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि बाइक विनीता जी के घर से 5 किलोमीटर गई और 5 किलोमीटर वापस आई, तो हो गए 10 किलोमीटर। और जैसा कि तुमने बताया कि सर्विस सेंटर से विनीता जी का घर 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हुए 12 किलोमीटर। अब कहानी समझनी है 5 किलोमीटर की, कि ये 5 किलोमीटर बाइक किसने चलाई। पर सर मेटल रोड पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो धीरज और प्रकाश के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर साक्षी के कपड़ों पे 2 लोगों के सेम ड्रेसेस मिले, मतलब रेप एक आदमी ने नहीं 2 लोगों ने किया। मिश्रा एक काम करो, साक्षी के कपड़ों से जो सीमेंट के सैंपल मिले हैं वो धीरज प्रकाश अर्जुन इन 3 के सीमेंट से मैच करा के देखो और हाँ रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाओ। सर एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बोलिए। सर सर देखिए ना क्या हुआ हमारी साक्षी को, पता नहीं बेहोशी की हालत में भी बड़बड़ा रही है एक ही बात। रश्मि बचाओ, रश्मि नहीं, रश्मि बचाओ, बचाओ, छोड़ दो हमें। क्या मतलब हो सकता है इस बात का, रश्मि बचा लो मुझे? मिश्रा कहीं ऐसा तो नहीं साक्षी के साथ जब ये सब हो रहा था तो रश्मि वहीं पे थी? साक्षी के बेहोशी में बुदबुदाए शब्द, अक्षय की मोटरसाइकिल की 15 किलोमीटर की गुत्थी और प्रकाश का साक्षी को रश्मि के घर से बेहोशी की हालत में ले जाना। पुलिस ने प्रकाश के बयान को क्रॉस चेक करते हुए 4 ऐसी बाइक्स ढूंढ निकाली जिनके नंबर की आखिरी संख्या 5 थी और जो उस दिन उस वक्त क्राइम सीन से गुजरी थी। 4 में से 3 बाइक्स मिडिल एज व्यक्तियों के नाम पर थी जिनके निर्दोष होने के गवाह और सबूत पक्के थे, लेकिन 4थी बाइक तुषार यादव नाम के एक लड़के की थी। पुलिस ने तुषार यादव के इस केस से जुड़े हर सस्पेक्ट अर्जुन सचिन और प्रकाश से कनेक्शन ढूंढने की मुहिम तेज कर दी, लेकिन साक्षी के कपड़ों पर मिले सीमेन सैंपल की डीएनए रिपोर्ट ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कपड़ों पर मिला सीमेन अर्जुन प्रकाश और धीरज में से किसी का नहीं था, तो फिर वो 2 लोग कौन थे?
रश्मि बचाओ, बचाओ। साक्षी के बेहोशी में बुदबुदाए हुए शब्दों को आधार बनाकर पुलिस ने तीनों सस्पेक्ट्स अर्जुन, सचिन और प्रकाश के घर की तलाशी लेने की ठानी। सर, एक मिनट यहाँ आइए। चुके हैं खून के डब्बे। मिश्रा, फॉरेंसिक वालों को फोन करो। सर। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक विनीता जी के घर पे जो खून के धब्बे मिले थे वो रश्मि के थे। यानी कि रश्मि के सर पे चोट रश्मि के घर पे ही हुआ। किसने किया होगा ये सब, सचिन या अर्जुन? लेकिन अर्जुन ऐसा क्यों करेगा? वो अपनी बहन को क्यों मारेगा? सर, रॉड पे मिले फिंगर प्रिंट्स की रिपोर्ट। तुम लोगों के फिंगर प्रिंट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स, ब्लड सैंपल्स, साक्षी के कपड़ों पे मिले सिमेंट सैंपल, यहां तक कि वो रॉड जैसे साक्षी के सर पे वार किया गया था, सब सबूत हैं हमारे पास तुम लोगों को लंबा अंदर करने के लिए। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि तुम लोगों ने ये सब क्यों किया, कैसे किया? सर, हमें नहीं पता आप क्या कहना चाहते हैं और क्या साबित करना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। ये नेता की गर्मी बोल रही है। पॉलिटिशियन का बेटा है ना, तो लगता है कि इसको सजा ही नहीं होगी। हो भी सकता है, लेकिन ज्यादा लंबा फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ दो चार दिन का ही फर्क पड़ेगा इसमें। लेकिन तुम दोनों बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाओगे, ये पक्का है। हाँ, अगर कबूल कर लो तो हो सकता है मैं तुम्हारी सजा कम करा दूं। सजा पे ये सब इस अर्जुन का ही प्लान था। इसने हमको और महेंद्र को फोन करके बोला कि साक्षी के साथ सेक्स करने का लालच दिया इसने साहब हमको। चुप हो जा बे, क्या बकवास कर रहे बे? अब हम बताते हैं, हम सच बोल रहे साहब। इसने हमको फोन करके बुलाया तो हम अपनी बाइक से तुरंत महेंद्र को लेकर इसके घर गए। उसके बाद हमने प्रकाश को फोन किया और बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और बोला कि उसको घर छोड़ दे। तो प्रकाश आया और उसे ले गया। गई क्या? अरे मजा आ गया, लेकिन मजा तो बहुत आया था यार सच में। अबे यार, अबे गलती कर दी हम, उसको ऐसे छोड़ दिया अगर वो पुलिस स्टेशन चलेगी तो? अबे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अबे उसे रोकना होगा यार, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे भाई। चल, एक सेकंड, हम ना अपने कपड़े बदल के आते, नहीं तो वो प्रकाश हमको पहचान लेगा। मैंने घर से रोड ली और अक्षय की बाइक लेकर निकला। तुषार और महेंद्र तुषार की बाइक से आए और प्रकाश के ऑटो के पीछे गए। कहाँ घुसे जा रहे हो भैया? मरी क्या? चल मेरी घड़ी, टिक टिक टिक, चल मेरी घड़ी। अब इससे पहले कोई याद है, चल निकलते यहां से। चल चल चल। घर वापस आके हम रश्मि के पास गए। उसकी लाश को ठिकाने लगाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम उसे जंगल की तरफ ले गए। तुषार ने अपनी बाइक से पेट्रोल निकाला। डर की वजह से मेरे हाथ से माचिस जल ही नहीं रही थी, तो तुषार ने मुझसे माचिस ली और रश्मि को जला दिया। फिर रश्मि और साक्षी का मोबाइल हमने नाले में फेंक दिया और उसके बाद घर आ गए। क्यों किया? वो लड़की उस ऑटो वाले के साथ लगी हुई थी। नहीं, क्या कमी थी हमें? उस ऑटो वाले के लिए उसने हमें मना कर दिया। साक्षी, क्या तुम भी हमसे? अर्जुन प्लीज, हम किसी को पसंद करते हैं। ये बात हमें बर्दाश्त नहीं हुई।
और हमने उससे बदला लेने की ठान ली। मैं बताता हूँ तेरे में क्या कमी थी। तू आदमी जरूर है पर इंसान नहीं। लड़की ने प्यार में मना क्या किया, अपने इन दो दोस्तों से उसका बलात्कार करवा दिया। नहीं, जब उसने मना किया तो हम अपने रूम में चले गए थे। थोड़े टाइम बाद वापस आए और देखा तो अकेली पढ़ाई कर रही थी, तो हमने सोचा कि एक बार फिर से बात करके देख ले। साक्षी, साक्षी हमारी बात तो सुनो। जो हमने तुमसे कहा है तुम उसके बारे में एक बार सोच के तो देखो। अरे वो ऑटो रिक्शा वाला तुम्हें क्या दे सकता है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं साक्षी। वो ऑटो वाला ना तुमसे लागुनाच, वो तुम्हारी तरह लड़कियों को प्यार में फंसा के उनके साथ टाइम पास नहीं करता, समझे? और अगली बार अगर हमें छुआ ना तो हम प्रकाश से कह देंगे और वो तुम्हें मतलब तुम हमको धमकी भी दे रही हो तो उस ऑटो रिक्शा वाले की। हाँ है वो ऑटो वाला, खुद की मेहनत से खुद का पेट पालता है, तुम्हारी तरह नहीं अपने माँ के पैसों पे अय्याशी कर रहा है। एक पैसा कमाने की औकात नहीं है। औकात देखेगी हमारी, हमने एक घंटे में उसे उसकी औकात समझा दी। तो ये है मिश्रा वो 5 किलोमीटर का चक्कर। उन 15 में से बचे 5 किलोमीटर इसने अपनी बहन की लाश को ठिकाने लगाने में खर्च की। दरअसल हम साक्षी को मारना चाहते थे जो बच गई, और रश्मि तो गलती से मर गई। खुद की बहन को मार डाला, उसकी सहेली साक्षी का इन दो भेड़ियों से बलात्कार करवा दिया। मिश्रा इन पे ऐसी दफाएं लगाना कि बाहर की रोशनी देखना इनके नसीब में ही ना हो। 22 साल का अर्जुन जिसने अपनी बहन की सहेली का गैंगरेप करवाया और जो अपनी ही बहन की हत्या का जिम्मेदार भी था, आखिर ये ख्याल आता कहां से है कि अगर कोई आपसे सहमत नहीं है तो उसकी हस्ती मिटा दी जाए। हमें इन कारणों की जड़ में जाना होगा क्योंकि जवान बच्चों का ऐसे अपराधों की कल्पना करना भी हमारे बेहतर समाज और बेहतर देश के उद्देश्य को नाकाम कर सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय।